नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मैं हूं अविनाश। आज हम बात करेंगे मॉब लिंचिंग यानी भीड़ तंत्र की। ये बेकाबू होता भीड़ तंत्र जो है आज हमारे समाज के लिए एक बहुत गंभीर विषय है, और इस पर क्यों आखिर लगाम नहीं लग पा रही, यही हमारी चर्चा का विषय है। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए हैं समाजसेवी अंशु गुप्ता जी और वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी, दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। मॉब लिंचिंग जो है यानी जो भीड़ तंत्र है, उसके हाथों में जो पड़ा उसकी खैर नहीं होती। बेकाबू भीड़ तंत्र ने एक तरह से पूरे देश का तंत्र हिलाकर रख दिया है। ये बात भी सही है कि मॉब लिंचिंग की हाल ही में हुई घटनाएं कोई नई बात नहीं है, लेकिन एकाएक इनमें जिस तरह से इजाफा हुआ है वो कई सवालों को जन्म देता है। मसलन, समाज में इतना उन्माद और गुस्सा आखिर क्यों पनप रहा है? क्या वजह है कि इस तरह की घटनाओं को रोक पाने में सिस्टम बौना साबित हो रहा है? वजह चाहे जो हो, लेकिन लोगों में बढ़ता गुस्सा चिंता की बात है, और गंभीर बात यह है कि कानून को खुद अपने हाथ में लेने पर लोग आमादा हो रहे हैं। भीड़ तंत्र के पीछे आकर कौन सी मानसिकता काम कर रही है, इसके बारे में सोचना बेहद जरूरी है। सरेआम किसी को इस हद तक पीट देना कि उसकी जान पर बनाए, बेइज्जत कर देना किसी को, ये घटनाएं देश में बढ़ती जा रही हैं, भयभीत कर रही हैं। क्या कहेंगी अंशु जी आप, जिस तरह का ये माहौल देश में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मॉब लिंचिंग जो है कोई नई बात है, पहले भी इस तरह की घटना होती रही है, लेकिन जब से सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है समाज में और मीडिया भी जो है काफ़ी अवेयर हुआ है, तो खबरें जो है बहुत ज़्यादा अब सामने आने लगी, और ये कहीं ना कहीं झकझोर कर रख देती हैं कि समाज आखिर कहाँ जा रहा है, क्या समस्या है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा कि जो मॉब लिंचिंग है अभी एक भयावह स्थिति में आने लगी है, और कहीं ना कहीं प्रशासन इसको काबू करने में फेल है, क्योंकि जिस तरह से कोई भी घटना दुर्घटना होती है और उसमें भीड़ अपने आप को निर्णायक बन के और सजा तक दे देती है, मतलब लोगों की जान तक चली जाती है, ऐसे उसमें बड़ा एक सोचनीय फैक्टर ये है कि इतनी भीड़ एक साथ कहाँ से आ जाती है। तो मुझे, मतलब मेरा जो आकलन है वो यही है कि कहीं ना कहीं इसके लिए हम जो बहुत तेजी से हमारा जो नेटवर्किंग सिस्टम है, सोशल मीडिया है, मोबाइलिंग है, ये सारी चीजें, इस पे बहुत ज्यादा इन चीजों का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि एक खबर कहीं पे भी कुछ घटना होती है, तुरंत व्हाट्सएप मैसेजेस, वीडियोस, सोशल मीडिया द्वारा एक दूसरे को मैसेज कन्वे करना, वायरल हो जाना, फोन करना, तो तुरंत फिर एक्शन में लोग आ जाते हैं। और आजकल क्या हो गया कि जब भीड़ आती है तो लोग सोचते नहीं है कि ये व्यक्ति सही में इसने अपराध किया है नहीं किया है, क्योंकि अपराधी है जी। हाँ, अपराधी, ये सारी चीजें तो वहां सोचने का एक समय ही नहीं लेता है। उसमें क्या होता है कि एक ने कहा, दूसरे ने माना, तीसरे ने मारा, तो ये सारी चीजें जब आती हैं सामने, तो जो हमारे देश की परिस्थिति अभी बन रही है वो बहुत ही सोचनीय, चिंतनीय है कि कहां ये मॉब को हम ले जा रहे हैं, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा, बहुत सारी चीजें इसमें सामने दिख रही हैं। बिल्कुल अंशु जी, बिल्कुल आपसे चर्चा करेंगे और आगे बातें करेंगे। अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं मनोचिकित्सक हैं रूमा भट्टाचार्य जी, उनसे जानते हैं कि आखिर जो ये मानस इसके पीछे काम करता है, जो समाज में जितना क्रोध, उन्माद और उग्रता जो बढ़ती जा रही है, उसके पीछे क्या कारण है और क्या इन पर रोकथाम के लिए क्या कोई तरीका है। तो रूमा जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। रूमा जी, ये बताइए कि आखिर ये जो भीड़ तंत्र के पीछे किस किस्म की मानसिकता काम करती है? एक व्यक्ति को तो ठीक किया जा सकता है यदि वो मानसिक रोगी है, लेकिन भीड़ को किस तरह से ठीक किया जाए, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की जो घटनाएं आप लोग जिससे चर्चा कर रहे हैं उसके पीछे कई सारी फैक्टर्स हैं। इंडिविजुअल व्यक्तित्व तो उसमें निश्चित रूप से जुड़ा ही हुआ है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि पूरा समाज में जो धीरज की कमी है, धैर्य की कमी है, समाज में अधैर्य बढ़ रहा है, लोगों में पेशेंस नहीं है, और इन जनरल जो है हर इंसान मतलब लिविंग ऑन द एज है कि जरा सा उत्साह तो बिल्कुल भड़क जाता है। तो ये जो एक परिवर्तन आया है समाज में ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने कि जिस तरह से लोगों में जो है धीरज और धैर्य खोते जा रहे हैं, और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। कल्पना जी, क्या कहेंगी, धीरज और धैर्य की कमी आखिर क्यों होती जा रही है, किस बात की जल्दी है, किस बात की अधीरता है, क्यों इतने
उग्र हो जाते हैं लोग, जरा जरा सी बातों में, कहीं सुनी बातों पर उग्र हो जाते हैं और इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं कि किसी की जान पर बन जाए, किसी की जान चली जाए। अभी ताज़ा कई ऐसे मामले हुए हैं जो मॉब लिंचिंग के, जहां कई ऐसे लोगों के साथ जो सलूक किया भीड़ ने, वो कहीं से कहीं तक भी जायज़ तो नहीं कहा जा सकता। और जैसा मनोचिकित्सक हैं रूमा भट्टाचार्य बता रही हैं कि धैर्य और धीरज की कमी, तो क्या लगता है आपको समाज किस दिशा में जा रहा है और क्यों इतने अधीर हो रहे हैं लोग? धैर्य और धीरज की कमी के भी कई कारण हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मॉब लिंचिंग के जिस तरह से मामले सामने आए उसमें हमारा जो जिस तरह से कानून व्यवस्था को स्ट्रिक्ट होना चाहिए था जिन इश्यूज को लेके, उनमें कहीं ना कहीं जितनी ढील, जिस तरह से आरोपी आए दिन छूट जाते हैं, जिस तरह से बच्चियों के साथ जो मामले सामने आते हैं, तो जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ गई है, कुंठित मानसिकता हद से ज़्यादा इस समय लोग हो गए हैं, तो इनके बहुत सारे रीज़न ऐसे हैं कि देखिए, जब कोई आरोपी जब पकड़ा दिया जाता है तो उसके बाद जब वो पुलिस मालूम है, आजकल जनता के बीच में एक बहुत सिंपल सा मैसेज है कि कानून कोई भी मतलब आरोपी को वो सजा नहीं देगा, उसको इजीली पैसे के दम पे वो छूट के आ जाएगा। लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं वो मानसिकता पनपती जा रही है। दूसरा, बेरोजगारी है, लोग कुंठित अपने आप ही हैं, उनको समाज में वो उस तरह का माहौल नहीं मिल पा रहा है। लोग फोन पे हर समय सिर्फ इन्हीं चीज़ों में लगे हैं, कुछ नहीं तो वो एक दूसरे को उल्टे सीधे मैसेज, धर्म जाति के नाम पे भड़काऊ चीज़ें दिन भर वो देखते और सुनते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, जब तक ये चीज़ें समाज में व्याप्त रहेंगी तब तक ये स्थिति और भयावह होगी, तब तक इसका कोई ऐसा समाधान नज़र नहीं आएगा कि इसको इस तरह से रोका जाए। लेकिन हमारी प्रशासन व्यवस्था को ज़रूर स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता है, ज़रूर धैर्य लोगों को बनाए रखने की आवश्यकता है, ज़रूर समझें कि जिस भीड़ का आप हिस्सा बनके किसी की ज़िंदगी लेने जा रहे हो, ले लेते हो, क्या वो वाकई में ही दोषी है? और हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस व्यवस्था, जी बिल्कुल जी। कल्पना जी, आपने एक बात अभी अपनी जो आपने सुझाव बात रखी उसमें एक बात बड़ी अहम निकल कर आई है कि कानून को खुद हाथ में इसलिए ले रहे हैं लोग क्योंकि कानून पर से उनका भरोसा उठ गया है। जिस तरह से जो आए दिन सुनने में आता है कि बड़े बड़े अपराधी छूट जाते हैं, बड़े जो संगीन अपराधों में लिप्त होते हैं और उनको सज़ा बहुत ही मामूली होती है, उसके बाद फिर वो समाज में आकर अपनी जो है असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। और यही कारण है कि लोग जब ऐसी गंभीर घटनाएं देखते हैं, या जैसे बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले हों या और भी जो संवेदनशील मामले हैं उनको लेकर जब तात्कालिक रूप से जब मामले सामने आते हैं तो लोग कानून को अपने हाथ लेने से बिल्कुल भी नहीं हिचकते। और ये इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह ये है कि लोगों के अंदर गुस्सा जो है, कानून कुछ नहीं कर पाता, कानून पे उनको भरोसा उठता जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। कल अंशु जी क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है कि देखिए, आज जो हमारे देश की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न चिन्हों के साथ एक घेरे में खड़ी हुई है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कल्पना जी ने भी कहा कि किसी ने किसी व्यक्ति को मॉब के लिंचिंग के दौरान मारा है, पीटा है और वो मर गया है, अब वो पुलिस थाने तक भी आ गया, तो जो सरपरस्त लोग होते हैं, जो इनके खैरखवाह होते हैं, जो इनके लीडर्स होते हैं, वो तुरंत एक और मॉब लेके थाने पहुंच जाते हैं। अब वो मॉब फिर थाने प्रशासन पर प्रेशर बनाता है कि हमारा आदमी है, इसको छोड़ दीजिए, इसने कुछ नहीं किया, भीड़ में से किसी ने मारा। तो वहां क्या होता है, दबाव के कारण भी पुलिस कहीं ना कहीं इस प्रेशर में आ जाती है। प्रशासन अगर स्ट्रिक्ट हो, क्योंकि आप देखिए, नियम कायदे कानून तो हमारी लॉ बुक में एक से एक स्ट्रिक्ट है। कितनी सारी धाराएं हैं जिसमें हम मॉब लिंचिंग के तहत कड़े से कड़े सजाओं के प्रावधान भी हैं, सब कुछ है, पर क्या वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन उनका हो रहा है? क्या हमारा प्रशासन सही में इतना ज्यादा सिंसियर या सीरियस है इन चीजों के प्रति कि अगर कानून का भय है किसी में तो डेफिनेटली वहां अपराध नहीं होगा? पर अब अपराध हो रहा है और मतलब ये निरंतर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन तो पूरी तरह से दोषी है। साथ ही कुछ अगर इस चीज को आप एनालाइज करें तो कुछ ऐसा तबका है जो ज्यादातर ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होता है, वो मतलब एक तो कम पढ़ा लिखा तबका होता है, और मैडम ने जैसे कल्पना जी ने कहा कि बेरोजगारी, क्योंकि हमारा जो युवा है जो सड़कों पे आज किसी भी पान के ठेले पे है, किसी भी गुमटी पे है, सड़कों पे है,
वो फ्री बैठा हुआ है, तो जैसे ऐसा हल्ला मचता है वैसे वो तुरंत दौड़ते हैं, क्योंकि ऐसे समूह होते हैं फटाफट चल 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 करके, और सारा समूह एक जगह इकट्ठा। कितनी बड़ी विडंबना है अंशु जी कि किसी मदद के लिए यदि कोई सड़क पे गंभीर रूप से घायल हो जाए, किसी हादसे में जख्मी हो जाए, तो उसकी तरफ उतनी तेजी से लोग नहीं भागते, उतनी तेजी से कार्रवाई नहीं करते कि वक्त पे उसको इलाज मिल जाए, उसकी जान बच जाए, लेकिन जान लेने के लिए बिल्कुल आमादा हो जाते हैं। ये बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मामला है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, ये मानसिकता को शोध, मतलब ये शोध का विषय है कि जब ये उन्माद है, इस तरह की बातें हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। क्या अशिक्षा इसका कारण है, क्या सोचने समझने की हमारी जो क्षमता है वो नहीं है कि क्या सही जी, है। लेकिन कई बार एक बात देखते हैं, तात्कालिक रूप से जब कोई घटना इस तरह की सामने आती है, तो जैसा आपने कहा कि पढ़ाई लिखाई जो है उसकी कमी, या अनपढ़ लोग जो हैं वो इस तरह की बातें, ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी कई बार देखा गया है कि इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए गए हैं। कल्पना जी, आपके पास आऊँगा, मेरा एक सवाल और भी ये बनता है, जो अभी सबसे बड़ा प्रश्न भी है, कि जिस तरह से अंग्रेज तो आए और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत उन्होंने जो कुछ भी हमारे देश के साथ किया, खैर हम गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ाद हुए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल की परंपरा, अंग्रेज जो नींव रख के गए थे वो कायम है, और यही वजह है कि आज जात पात पंथ धर्म के नाम पर जिस तरह से लोगों को तोड़ा जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण नहीं लगता कि ये भीड़ तंत्र जो बेकाबू होता जा रहा है उसका? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कारण, मैं धर्म जाति के नाम पे पहले भी बोला कि हमको उकसाया जाता है, कोई भी धर्म हो कोई भी जाति, जो बेसिक जो चीजें सीख के हम बड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में नहीं है। आज धर्म की जो परिभाषा सामने आ रही है वो इतनी अलग है उस परिभाषा से जिसे पढ़ के, जिसे समझ के, जिसको हम अपने जीवन में धारण करते थे। लेकिन आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं, जिसको हम धर्म का नाम लेके एक दूसरे के लिए जान के दुश्मन बन गए हैं, एक दूसरे के सही और गलत के भाव को खत्म करके हमने सिर्फ धारणा बना ली है कि फलाने धर्म का व्यक्ति सिर्फ गलत है, तो जब ये धारणा पनपी तो वो कहीं ना कहीं अपने आप ही समाज को दो हिस्सों में उसने बांट दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि देखिए, एक चीज जरूर है कि हमें मोबाइल, आज हमें फैसिलिटीज बहुत मिली लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। हमें जितना जरूरी था, हर व्यक्ति के हाथ में आज फोन है, लेकिन उसके कौन से मैसेज आगे फॉरवर्ड करने हैं, कौन सी चीजें समाज को देनी है, किससे समाज में अच्छी मानसिकता पनपेगी। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए उसमें मैं कुछ जोड़ना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने जैसे बोला कि तकनीक ने जो है बहुत तरक्की करी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आज जमाना है, लेकिन किसके हाथ में क्या चीज होना चाहिए, दी जाना चाहिए, इसका भी एक कहीं मॉनिटरिंग होती है, इस पर भी कोई एक तरीका अपनाया जाता है कि किस एज ग्रुप से लेकर किस एज ग्रुप तक के लिए चीज़ें होना चाहिए, बच्चों के हाथ में क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, ये नहीं सोचते हुए सीधे सीधे आज हर उम्र का जो बच्चा हो, जिन्हें जो चीज़ें नहीं भी देखना हो तो वो देख रहे हैं, और जो है कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, और ये भी एक कारण है। आप बात आगे बढ़ाइए। कि समाज में जिस तरह से गेम्स आजकल हमारे बच्चे जो खेल रहे हैं, जो चीजें नई नई चीजें हिंसक बना रहे हैं बच्चों, कई गेम ऐसे हैं जी। तो मैं यही सब चीजें आपसे कहना चाहती हूँ कि समाज को मॉनिटरिंग, हमारा साइबर सेल बहुत अच्छी, अगर वो स्ट्रिक्टली चीजों को ले तो मैं नहीं समझती नहीं, अब तो ये हो गया ना कल्पना जी की मामला इतना बिगड़ चुका है कि इसको समेटना बड़ा मुश्किल है। नहीं तो समेटने के लिए इतना मुश्किल भी नहीं है, साइबर सेल हमारा ऐसा, उसको इतनी स्ट्रिक्टली अगर वो लोग हैंडल करें तो नो डाउट इस तरह का मैसेज डालते हुए 100 बार व्यक्ति सोचे। बिल्कुल सही बात है कि अब जिस तरह की जो लोग अपने से टिकटॉक जो बनाते हैं और तमाम चीजें हैं उन पर यदि लगाम लगाया जाए और उस पर उसकी मॉनिटरिंग की जाए तो निश्चित बहुत कुछ बदलाव। जिस भी व्यक्ति ने कोई इस तरह की कोई पहला मैसेज फॉरवर्ड किया था और जो आगे जितने भी आगे तक गए उनके खिलाफ, मैं आज तक एक भी मामला ऐसा नहीं देखी कि बहुत स्ट्रिक्ट कोई कदम उस व्यक्ति के खिलाफ उठाया गया हो। इस तरह की 2-4 केसेस करके देखिए, होंगे अपने आप मैसेज जब मीडिया में, सोशल में जब वो हाईलाइट होंगे तो जरूर उसका असर सामने आएगा। अंशु जी, क्या उपाय लगता है आपको भीड़ तंत्र को काबू में करने के लिए, ऐसी क्या तरीका अपनाया जाए कि ताकि लोगों में एक वो सेंस जागे कि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं इस देश के, यदि हम इस तरह का कदम उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को, हम अपने बच्चों को क्या सबक दे रहे हैं, यदि वो खुद अपने आप पे काबू रखना सीखें, चीज़ों को समझना सीखें, सोच समझ कर कोई फैसला करें, कानून है इस देश में, पुलिस है, वहाँ तक अब पहुँचाएँ बात को, ताकि जो
वाकई कोई आरोपी है या किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसको सजा देने का काम कानून का है। हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, ये चीज़ें सिखाई भी जाएं। और भीड़ तंत्र यदि कहीं बेकाबू होता भी है तो जो लोग शुरुआत इसकी करते हैं उनको समझाने की ज़रूरत है, तो जो लोग वहाँ जुटते हैं वो उनको समझाएं, ना कि उनमें शामिल हों। तो इस तरह की सोच को विकसित करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, आपसे जानना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये अब एक जो जैसा आपने कहा कि अब इसको समेटना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये इतना ज़्यादा फैल गया है, ये इतना उग्र रूप हो गया है, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका तो हमारे समाज की, क्योंकि ये सामाजिक विकृति हो गई है। तो सामाजिक जितने भी लोग हैं, जो हमारी जनरेशन है, आने वाली जनरेशन को इस चीज़ से अवगत कराए। और मैं तो कहती हूँ जैसे स्वच्छता अभियान बहुत बड़े स्तर पे हमारी सरकार चला रही है, इस तरह की स्वच्छता समाज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी स्वच्छता अगर नहीं होगी इन विकृत चीज़ों के, तो हमारा समाज कहीं ना कहीं एक और विकृत रूप लेके और सामने देश हमारा देश विश्व पटल पे बहुत बुरी स्थिति में खड़ा होगा। शहरों के कचरे को तो साफ कर लेंगे, लेकिन लोगों के दिमाग में जो अपने से गंदगी है उसको साफ करना बहुत जरूरी है। हमारा सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि हमको सिक्योरिटी बार्स लगाने ही होंगे, हमें आई कांटेक्ट, बहुत से देशों में इस तरह की बिल्कुल कड़े नियम है कि आप 12 साल के बड़े बच्चे को आई कांटेक्ट मतलब मोबाइल के उससे इंटरफेस नहीं करा सकते। तो ऐसे क्यों नहीं हमारा देश ऐसे नियम कायदे कानून को कड़ाई से पालन करने के लिए कहता। साथ ही हमारा जो साइबर सेल है वो क्यों नहीं ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस पे लगाम लगाता है। ये बिल्कुल सही कहा कल्पना जी ने कि बीच में मैं कभी कभी देखती थी सोशल मीडिया पे कि अगर एडमिन किसी ग्रुप का और उसके उसमें किसी व्यक्ति द्वारा गलत मैसेज, लेकिन अंशु जी एक बात है, अपन थोड़ा ये जो बात हो रही है आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत हद तक ये सोशल मीडिया जिम्मेदार है इस तरह की घटनाओं के लिए, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये घटनाएं जो है मॉब लिंचिंग की अब सोशल मीडिया की वजह से ही सामने भी आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस देश में ये कोई नई बात है, पहले भी जो है मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती रही हैं। कई ऐसे मामले हैं यदि उठाकर देखें जहां पर भीड़ तंत्र ने खुद अपना फैसला लिया और लोग मार दिए गए या उन्हें इस हद तक मारा गया कि वो उनकी जान पर बनाई। तो ये बात ये बिल्कुल सच है कि साइबर सेल हो या सरकार हो प्रशासन हो, उसे इस दिशा में अब काम करना पड़ेगा। लेकिन जो मानस बना हुआ है ऑलरेडी कई चीज़ों को लेकर, कई ऐसे संवेदनशील मामले हैं, धर्म के हैं, जात के हैं, पंथ के हैं, इस तरह के कई ऐसे जो संवेदनशील मुद्दे हैं जिनको लेकर हमारे देश में आज भी अवेयरनेस नहीं है। लोग आज भी जो है कई तरह की चीज़ों की मान्यताएं हैं, जो कुरीतियां हैं वो आज भी हमारे समाज में विद्यमान हैं, और वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह बनती हैं। तो समाज की सोच को बहुत अच्छा बनाने के लिए ब्रॉड माइंडेड होना बड़ा एक अच्छी बात कही जाती है, एक लफ्ज़ है ब्रॉड माइंडेड कि हम ब्रॉड माइंडेड हैं, हम खुली सोच के हैं। लेकिन ये खुली सोच सिर्फ कहने की बात है, कितनी लोगों की सोच खुली हुई है ये तो आप जग जाहिर है, जिस तरह से घटनाएं सामने आती हैं। तो लोग समाज में परिवर्तन लाने के लिए ज़रूरी है कि लोगों की सोच भी बदली जाए, इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहे, एक संक्षिप्त सी टिप्पणी आपसे भी चाहूंगा, और कल्पना जी जब ये बात खत्म कर लें तो आप भी इस पे जवाब दीजिए। सामाजिक एक अभियान बनाना होगा, क्योंकि समाज की सुरक्षा हम सामाजिक लोगों के हाथों में ही है। तो इस चीज को देखना पड़ेगा कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, और हम ही लोगों की ये महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि इसको एक सोशल अवेयरनेस के रूप में लेके आए कि भाई इस तरह की जो मॉब लिंचिंग है तो लोगों को अवेयर करें। डेफिनेटली अगर बात चलेगी तो दूर तक जाएगी, वही बात है। तो इस चीज को इसी चीज से खत्म करना होगा कि आप उसकी चर्चा ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि लोगों के मनों में ये बात आए कि सही बात है कि मैं निर्णायक खुद ना बनूं। इसके लिए हमारा प्रशासन है, हमारा संविधान है, और कानून का जो काम प्रशासन करेगा वो बेहतरी के लिए करेगा समाज के। कल्पना जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा कि समाज में हमको लोगों के बीच ये मैसेज जरूर देना पड़ेगा कि धर्म जाति के नाम पर अब एक दूसरे के साथ और साथ में जिस तरह के जो चीज़ें हम देखते हैं, जो चीज़ हम सुनते हैं, जरूरी नहीं है वो सच हो। पहले अपने विवेक से काम लीजिए, धैर्य बनाए रखें। जरूरी नहीं है समाज में हर चीज़ के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, दोषी व्यक्ति को हम अपने हाथों से सजा दें। उसके लिए हमारा कानून, हमारे प्रशासन बहुत स्ट्रिक्ट है, जो आज जो हर उस दोषी को, जो दोषी है उसको जरूर सजा देता है। तो उसके लिए कानून जो जिसके दायित्व जिसके दिए गए हैं वो उसका निर्वहन करेगा। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने से अच्छा है अगर आपको कोई दोषी आरोपी मिलता है तो उसको आप पुलिस के हवाले कीजिए, ना कि खुद निर्णायक स्थिति में आके। किसी की जिंदगी लेने का किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। तो मींस चाहे वो भीड़ हो, चाहे एक अकेला व्यक्ति हो, जीवन हम दे नहीं सकते, जीवन लेने का अधिकार नहीं किसी भी तरह से। बिल्कुल सही कहा आपने कल्पना जी, और
सही बात भी है कि लोग जो हैं ज़रा सा गुस्सा लोगों का और ज़रा सा बहकावे में आ जाना, और एक परंपरा भी हमारे देश में बहुत है कि यदि कहीं कुछ हो रहा है तो चलो हम भी हाथ साफ कर लें, तो ये भी एक बड़ी प्रवृत्ति जो है हमारे देश में लोगों में बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रवृत्ति से भी निजात लोगों को पानी होगी, खुद से ही खुद अपने आप से ज़्यादा लड़ना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं समाज में एक जागरूकता आ सकती है और एक बेहतर माहौल बन सकता है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी, आपने भी बड़ी अच्छे सुझाव दिए और आपने भी जो जानकारियाँ दी बहुत अच्छी बातें हैं कि यदि इस तरह से चीज़ें बदलें तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। कल्पना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। तो कुल जमा बात यह है कि मॉब लिंचिंग जो है अब एक समाज में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या उभर कर सामने आई है। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकारें भी आगे आए, समाज भी आगे आए और व्यक्ति भी अपनी सोच को बदले। अगली कड़ी में ऐसे ही एक विषय किसी विषय पर हम चर्चा के लिए आपके साथ मौजूद रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।